Hey gamers, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल Elder Gaming में। तो चलिए गेम खेलते हैं। ओके गाइस, तो आ चुका हूँ मैं यूटोपिया ओरिजिन के एक और नए और बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के साथ में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम टेम करने वाले हैं एक आइस वेनम ड्रैगन, जो कि भाई काफ़ी मस्त रहता है। और भाई मेरे को थोड़ा सा पावरफुल पेट चाहिए, तो भाई ये एक पावरफुल पेट बन सकता है मेरा, ठीक है। तो भाई इसको मैं टेम करने वाला हूँ। इसको मैं पहले भी टेम करने वाला था, लेकिन यार पहले मेरा लेवल काफ़ी कम था, तो इस वजह से मैं टेम नहीं कर पाया था। लेकिन अभी अपना लेवल काफ़ी हो चुका है, 61 लेवल मेरा हो चुका है, तो अभी मैं इस बंदे को टेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका फीड मैंने बहुत सारा बनाया था पहले ही, लेकिन मेरा लेवल कम था, तो भाई इस वजह से मैं टेम नहीं कर पाया था। लेकिन अभी हम टेम करने वाले हैं आइस वेनम ड्रैगन को, ठीक है। तो इसका फीड बनाने के लिए मेरे पास दो तीन चीज़ें हैं, जो कि मैं फीड बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद में फीड मेरे पास में कितना 100 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फीड बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए रहती है, और मैं फीड इधर बना सकता हूँ ना। चलो तो फीड में दिखा देता हूँ किस तरीके से बनता है, और करते हैं कुक। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें चाहिए रहती है आइस वेनम ड्रैगन का फीड बनाने के लिए, और भाई ये खुले तो मैं दिखाऊँ। तो इसके लिए आइस प्योर चाहिए रहता है, और ये है नॉर्थ आइस फिश है, या फिर आइस नॉर्थ फिश, चाहे जो भी हो। ये इसका फीड है, और ये अंडा है, ठीक है, अंडे का फीड है। तो तीनों चीज़ों से बन जाता है इसका फीड। ओके तो आइस वेनम ड्रैगन फीड। वैसे मैंने फीड बनाया तो था भाई, फिर वापस से अनलॉक कैसे हुआ पता नहीं। तो भाई इस तरीके से ये फीड बनता है, ठीक है। तो हमारे पास में हो चुका है 101 फीड। तो अभी हम चलते हैं टेम करने के लिए, ठीक है। मैं अपनी पहले सारी चीज़ें ले लेता हूँ, भाई मैंने कुछ भी लेके नहीं रखा है। ओके तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखी हुई है। मैं पहले पिकेक्स ले लेता हूँ अपनी एक, और कुछ भी चाहिए क्या? अरे भाई आर्मर वगैरह तो लिया ही नहीं है, आर्मर भी ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा ये सैडल और स्नैर, ये दोनों भी ले लेता हूँ, जिससे कि भाई मैं एक माउंट बनाने वाला हूँ और एक पेट बनाने वाला हूँ, ठीक है। और हाँ ठीक है, चलो दो टेम कर लेंगे भाई, दो टेम हो जाएंगे इजीली, ठीक है। और उसके अलावा मेरे को एक और रूइन स्टोन वगैरह बनाना था, इसके लिए मेरे को एक ये चीज़ चाहिए और एक ये चीज़ चाहिए। ओके और उसके अलावा मैंने एक ये ख़रीदा हुआ है, क्या बोलते हैं भाई इसको, ओके तो ये रहा, ये है एक्सपर्ट रूइन क्रिस्टल। तो ये मेरे को एक सस्ते में मिल गया, तो भाई मैंने ख़रीद लिया। मेरे को यार चेस्ट मिलती नहीं है भाई, मैं कितना घूमा इधर से उधर नए नए आइलैंड पे, लेकिन भाई कहीं पे भी मेरे को चेस्ट वगैरह यार नहीं मिल पाई, वरना भाई ये मेरे को ख़रीदना नहीं पड़ता। लेकिन कोई नहीं, चलो ख़रीद लिया तो अभी बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे को बनाना है ये वाला एक्सपर्ट रूइन स्टोन, और इसमें मेरे को ऐड कर देना है इस चीज़ का, तो भाई अपने को 2% चांस है कि भाई लेजेंडरी मिल सकता है। ओके तो बनाते हैं भाई ये एक्सपर्ट रूइन क्रिस्टल, और देखते हैं भाई क्या मिलता है। एपिक वाला मिला, ओके कोई नहीं, चलो। तो भाई अभी इसको हम वो करना था, लूल मेरे को आइडेंटिफिकेशन करना है भाई इसका। खुल जा मेरे भाई, ओके ठीक है। तो इसको रूइन मैजिक अटैक 50 है, क्या बात है। उसमें ये नॉर्मल वाले में 38 रहता है इसका अटैक, और इसमें भाई 50 अटैक है, मतलब भाई कितना अच्छा खासा डैमेज होगा। तो चलो देखते हैं भाई, कोई ढंग का मैजिक आ जाना यार प्लीज़। तो यार वाटर रूइन और अर्थ रूइन, क्या बात है यार, अर्थ रूइन के यार इतने सारे क्यों मिलते हैं भाई। मेरा ये भी आई थिंक अर्थ रूइन वाला ही मैंने लगा के रखा हुआ है, अर्थ वाला ही मैजिक, देख लेता हूँ मैं। इधर गया, यही है ना, ये तो रॉक अटैक है। तो अर्थ रूइन, एक मिनट, अर्थ का तो यही होगा ना, ये लाइटनिंग है, ये फायर है, ये वाटर है, ये तो वो है, क्या बोलते हैं, शील्ड। तो अर्थ रूइन यही वाला होगा, ठीक है। ओके और दूसरा कौन सा था भाई, इधर गया भाई, वेयर इज ही। ओके तो दूसरा वाला है वाटर रूइन, और एक है अर्थ रूइन, चलो ठीक है। तो मैं
इसको इक्विप कर लेता हूँ भाई। अर्थ रुइन का डैमेज और बढ़ जाएगा, ठीक है। अर्थ रुइन 47 डैमेज इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो मेरा अब तक तो मैंने लगा ये वाला लगा के रखा था ना, ओके, तो इसमें अर्थ रुइन 31 था और इसमें हो चुका है अर्थ रुइन 47। वेरी गुड, चलो तो इसको इक्विप कर लेता हूँ मैं, और मैं अपना आर्मर वगैरह भी पहन लेता हूँ, और उसके बाद निकलते हैं भाई खतरनाक वाले आइलैंड पे, जो कि भाई सबसे हाई लेवल वाला आइलैंड है, ठीक है, 60 लेवल पे भाई, वहाँ पे सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो मेरे पास में आई थिंक सारी चीज़ें हो चुकी है, मेरी स्वाड किधर है, इधर लगी हुई, ठीक है। और मेरे को और कुछ चाहिए क्या, मेरे पास में खाना वगैरह है कि नहीं भाई, थोड़ा सा है, चलेगा आई थिंक तो इतना, लेकिन मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ भाई। मैं पहले अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन वगैरह कर लेता हूँ यार। 2 hours later ओके, तो अभी सब कुछ रेडी कर लिया मैंने, और अभी हम भाई सीधा चलने वाले हैं नॉर्थ आइलैंड पे, और भाई सीधा टेम करते हैं जाके यार, और मज़े आने वाले। ये पेट आई थिंक यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज इसका लेवल काफ़ी हाई रहता है, तो भाई मेरे को लगता है भाई ये एक मेरा बैटल पेट, मैं इसको बना सकता हूँ, ठीक है। और इसका एक किंग वाला भी रहता है, जो कि भाई उसके लिए फीड आई थिंक पता नहीं क्या फीड था उसके लिए, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। ये इसका फीड मेरे को याद था, मेरे पास में एक्चुअली पढ़ा ही था फीड, तो मैं सोचा भाई चलो इसको टेम करते हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था भाई टेम करने का, लेकिन फिर याद नहीं रहा था, दूसरी सारी चीज़ें भाई चालू थी, तो भाई फिर टेम करने का वो भूल ही गया था मैं बिल्कुल। तो अभी हम टेम करते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे भी एनिमल हैं जो कि भाई पेट मर्ज में नहीं आते, तो भाई उन एनिमल को भी मैं टेम करने वाला हूँ, ठीक है। और जो पेट मर्ज में आते हैं वो तो भाई नॉर्मली मैं पेट मर्ज में ही दिखा दूंगा, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारा आइस वेनम ड्रैगन, और इधर कोई बंदा तो नहीं है ना भाई, इधर काफ़ी खतरा रहता है यार। खैर पहले रहता था, अभी तो इतना ज़्यादा कुछ आई थिंक खतरा नहीं रहेगा। तो शुरुआत करते हैं भाई, 55 लेवल का है, और भाई इस बंदे को हम टेम करते हैं भाई, मज़े आने वाले हैं भाई। ये मेरे को बहुत मस्त लगता है, ठीक है, आइस वेनम ड्रैगन, बिकॉज ये पॉइजन मारता है। अरे यार और थोड़ी हेल्थ खाली करनी पड़ेगी इसकी, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ओके भाई साहब स्टंट हो गया भाई, क्या बात है। अब जल्दी से इसको फीड खिलाते हैं और कर लेते हैं टेम, इससे पहले कि कोई इधर आके भाई हमें धोने लगे। तो इसको आई थिंक 45 के आसपास फीड लगता है, और मैंने कितना खिलाया पता नहीं भाई, जितना भी खा फटाफट से खा और टेम हो जा मेरा भाई। रेडी फॉर कैप्चर, ठीक है। तो इसको बनाया है हमने पेट, ओके, अरे ओके ठीक है। तो अभी एक और मैं टेम कर लेता हूँ, और भाई ये इसको क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं टेम कर लेता हूँ, उसके बाद दोनों के साथ में ही चेक करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बनाऊँगा माउंट, एक मैंने पेट बनाया, तो भाई एक मेरे को माउंट में भी चाहिए। और भाई बस 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 भाई हेल्थ ज़्यादा खाली नहीं करने बंदे की, अरे लूल भाई मार डालेगा भाई ये बंदा। ओ भाई मेरी बाट लगने वाली थी भाई, ये बंदा अभी मेरे को धो डालता भाई, बच गया मैं। अच्छे टाइम पे भाई का यूज़ कर लिया, वरना भाई गया था मैं। तो इसका ये जो पॉइजन वाला अटैक है ना भाई, इस वजह से ये काफ़ी ओपी लगता है मेरे को। और भाई अभी बस हो गया बस खाली एक, ओके चलो वेरी गुड। तो अभी इसको मैं बनाने वाला हूँ अपना माउंट नया भाई, मेरे पास में खाली अब तक दो ही माउंट है। वैसे तो मैंने बहुत सारे माउंट टेम किए, लेकिन भाई कोई ना कोई आके मेरे पास से लेके चला जाता है, तो भाई मैं क्या करूँ यार। भी मेरे को 2-3 माउंट की ज़रूरत रहती है वैसे तो, वाटर माउंट। और चलो इसको पहना देते हैं सैडल, ओके वेरी गुड। चलो तो भाई आ चुका है हमारे पास में ये माउंट भी, और अभी मैं काम करता हूँ भाई, मैं निकलता हूँ सीधा अपने बेस पे, और उसके बाद में भाई दोनों को चेक करते हैं, ठीक है। बिकॉज भाई इधर आ सकते हैं बंदे, तो भाई बंदे आ जाएंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है चलो ओके। तो अभी हम दोनों को चेक करते हैं और देखते हैं भाई, ये रहा हमारा आइस वेनम ड्रैगन, जिसका भाई स्टैट थोड़े से कम है, 3 अगर होता तो HP ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन कोई नहीं, 2.9 इतना बेकार भी नहीं है, ठीक है। और अटैक फैक्टर है भाई 1.7, और इसका स्टार्टिंग का जो उसका आर्मर तो भाई साहब 650 है, क्या बात है भाई।
और इसका अटैक स्टार्टिंग से ही 14 है, जो कि अच्छी बात है। और इसका स्किल में क्या है, वेनम योर पेट। ओके तो यार वेनम वाला अटैक है इसका, ठीक है, और स्किल है क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे इसकी स्पीड है 7795, क्या बात है। और मेरे पैरेट की, ओके पैरेट की कम है, और इसकी भाई ओपी वाली स्पीड है, इसको भी सिलेक्ट करते हैं भाई। भाई साहब क्या बात है यार, वेरी गुड भाई। तो भाई ये एकदम मस्त वाला यार डाइनो है अपना। एकदम ही मस्त वाला, क्या बात है भाई। ठीक है तो भाई इस पेट को भी निकालते हैं, और इसका भाई थोड़ा बहुत लेवल अप करने के बाद में मैं ज़रा इसको चेक करता हूँ भाई ये कितना खतरनाक है। थोड़ा बहुत ही वैसे मैं लेवल अप करूँगा, ज़्यादा नहीं करना है मेरे को। ओके तो 14 का डैमेज देगा जो कि, और पॉइजन भी दे रहा है भाई साहब, क्या बात है। और इस कछुए की इतनी हिम्मत भाई, मेरे को माउंट के ऊपर से उतार दिया गधेड़ा कहीं का। ओके चलो फिनिश हो गया। तो अभी मैं ज़रा पेट फूड खिलाता हूँ, मेरे पास में कितना 35 पड़ा है, तो मैं इसको पेट फूड खिला देता हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत लेवल अप करने के बाद में अब देखते हैं भाई कि ये बंदा कितना खतरनाक हो सकता है। ओके तो पेट फूड खिला देते हैं 34-35 जो भी था, और अभी देखते हैं भाई ये बंदा कितना ओपी है। वेरी गुड भाई साहब, क्या बात है। इसको मैं थोड़ा बहुत लेवल अप करूंगा, बिकॉज पीवीपी में यार मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा खासा डैमेज करने वाला पेट चाहिए था, और आई थिंक ये अच्छा डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसका डैमेज अभी कितना 54, क्या बात है भाई। तो भाई एक टर्टल भी अच्छा नहीं मर रहा, क्या गधेड़ा कहीं का, 3 अटैक में मरा टर्टल इससे, कोई नहीं। चलो तो भाई इसका क्या बोलते हैं इसको, डैमेज 56 से 58 का डैमेज है, और 26 लेवल का है, वेरी गुड। अगर ये 50 लेवल का कंप्लीट हो जाएगा तो आई थिंक भाई 100 तक का डैमेज कर सकता है भाई, क्या बात है। तो ये पेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और मेरा विकेड कूल डॉग भी भाई अच्छा खासा, इसका भी 80-83 का डैमेज है। और इसको एडवांस करने के लिए अभी इसका तीसरा इवॉल्व मेरे को करना है, उसके लिए बस खाली मेरे को 3 ये एडवांस स्टोन चाहिए। इसके बाद में भाई मैं अपने विकेट पुल डॉग को 3 इवॉल्व वाला कर पाऊंगा, तो भाई वो भी काफ़ी मस्त हो जाएगा, ठीक है। और मेरा भाई वो पिंक हगी बियर का तो भाई कुछ अभी हो नहीं पा रहा है, बिकॉज भाई इसको 3 इवॉल्व मेरे को करना है, उसके बाद में मस्त वाला स्किल अनलॉक होगा भाई। ये जो इंटरमीडिएट जो भी हार्वेस्ट वाला है ना भाई, ये वाला इफेक्ट मेरे को मिल जाएगा 3 इवॉल्व पे। फिलहाल मैंने 2 इवॉल्व कर दिए हैं, अगर 3 इवॉल्व और 3 इवॉल्व का हो जाएगा ना ये भाई, तो फिर मस्त वाला ये स्किल मिल जाएगा, और ये स्किल भाई एकदम ओपी वाला है भाई। तो ठीक है यार, आज की वीडियो को भाई यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों को हमारा आज का ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Like work with the bass on the track, on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap.